नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं। कौन बनेगा मुख्यमंत्री, एबीपी न्यूज पर इस बड़ी कवरेज के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का जो सिलसिला शुरू हुआ वो अब तक इस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है कि मध्य प्रदेश में आखिरकार सरकार बनेगी किसकी, ये तस्वीर तो अब तक साफ हो ही नहीं पा रही है। सबसे बड़ा सस्पेंस जो है वो आज 5 राज्य जहां विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो मध्य प्रदेश को लेकर ही यकीनन बना हुआ है, क्योंकि आंकड़े अभी भी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। कांग्रेस 113, बीजेपी 109, जादुई आंकड़ा मध्य प्रदेश में 116 का है, जिससे 3 सीट के फासले पर फिलहाल कांग्रेस खड़ी हुई नजर आ रही है। और अब तक की बड़ी बात यह कि 11 घंटे सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू हुई, 11 घंटे बाद भी तस्वीर साफ नहीं। मध्य प्रदेश के रुझान में अभी किसी को बहुमत मिल नहीं रहा। 113 109 ये आंकड़ा कांग्रेस बीजेपी का, 11 घंटे गिनती के बाद मध्य प्रदेश में सिर्फ 14 सीटों के ही नतीजे अब तक आ पाए हैं। ये जो देख रहे हैं आप वो रुझान देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश की तस्वीर साफ ना होने की वजह से अभी मामला जो है वो बराबरी की टक्कर पर कांग्रेस बीजेपी में मध्य प्रदेश में बना हुआ है। मध्य प्रदेश में शिवराज के दर्जन भर मंत्री पीछे चल रहे हैं और कांग्रेस ने अपने नेताओं से कहा है, कमलनाथ से, ज्योतिरादित्य सिंधिया से, कि वो अभी भोपाल में ही डेरा डालें। वहीं राजस्थान में वसुंधरा के 11 मंत्री हार गए। मध्य प्रदेश में 4 सीट पर हार जीत का जो अंतर है 500 वोटों के भीतर चल रहा है वो, और मध्य प्रदेश में 14 सीटें ऐसी जहां पर वोट का अंतर जो है वो 1000 वोटों के बीच बार बार घूम रहा है। तो कुल मिलाकर ये जो बड़ी बातें इस वक्त हमने आपको बताई इसके मायने क्या निकल कर आते हैं, देखिए। सबसे बड़ी बात ये कि 2019 से पहले बीजेपी को बड़ा झटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बनाने की स्थिति में नजर आ रही है। 2014 में इन राज्यों में बीजेपी की बड़ी जीत हुई थी। 2013 से ही जीत का सिलसिला जो शुरू हुआ था 2014 लोकसभा चुनाव में, उसका फायदा बीजेपी को मिला था। तो कुल मिलाकर बड़ी बात यह कि आज के नतीजे के हिसाब से 83 में से कांग्रेस को 46 सीटें मिल सकती है लोकसभा की, जो 2014 में महज 6 सीटें थी कांग्रेस के पास। अध्यक्ष बनने के बाद राहुल के सिर पर इस जीत का सेहरा सज रहा है, क्योंकि पहली बार इतनी बड़ी जीतें राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हासिल करती हुई नजर आ रही है। तो यह बुलेट की रफ्तार से कवरेज जो आज सुबह ऐसे एबीपी न्यूज पर लगातार जारी है, और अब बुलेट की रफ्तार से नतीजे जानने के लिए आपको सीधे लिए चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, देखिए रोमाना, बिना इंतजार किए सीधे हम वो तस्वीरें दिखाते हैं। बुलेट ट्रेन आएगी, अब किस राज्य के आंकड़े लेकर आती है वो दर्शक हमारे देखेंगे स्क्रीन पर। बुलेट अपनी तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई, और सबसे पहला आंकड़ा ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश का आने वाला है, क्योंकि ये सबसे बड़ा राज्य जहां पर 230 सीटें, लेकिन यहां पर मामला फंसा हुआ है। मध्य प्रदेश में पेच फंसा हुआ है, न कांग्रेस न बीजेपी। सवाल यह है, सरकार अगर कांग्रेस की बनेगी तो बनेगी कैसे, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में तो सामने आ गई है। कांग्रेस को 114, बीजेपी 108, आपको बता दें कि यहां पर 116 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए। ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में बनवास तो खत्म हो रहा है कांग्रेस पार्टी का, लेकिन सरकार बनेगी कैसे, क्योंकि बार बार मध्य प्रदेश में पेंच फंस जा रहा है, कभी 2 कभी 4 कभी 6, इस तरह के आंकड़े जो गैप है वो लगातार बना हुआ है, और अभी तक बहुमत वहां पर मिल नहीं पाया है कांग्रेस पार्टी को। और अब दूसरे राज्य से बुलेट ट्रेन जो आपके सामने होगी, और अब अगला आंकड़ा राजस्थान का। राजस्थान में आपको बता दें 199 सीटों पर हुए हैं चुनाव, और यहां पर देखिए कांग्रेस पार्टी इस वक्त आपको दिखाई दे रही है 100 सीटों के साथ। 100 जादुई आंकड़ा है सरकार के लिए, और 100 सीटों पर कांग्रेस यानी कि बहुमत के आंकड़े को टच कर गई है बीजेपी 74 पर। और ये जो 25 आप देख रहे हैं ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिलहाल राजस्थान में बहुमत के आंकड़े को राजस्थान में छू लिया है कांग्रेस पार्टी ने। और अब छत्तीसगढ़, आपको बता दें सबसे पहले और सबसे बड़ी अच्छी खबर कांग्रेस के लिए छत्तीसगढ़ से आज सुबह सुबह ही सामने आ गई, जहां पर 15 सालों का सूखा खत्म होता हुआ और सुबह ही यह तय हो गया था कि वहां पर प्रचंड बहुमत कांग्रेस को मिल गया है। कुल 90 सीटें हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी ने शानदार जानदार प्रदर्शन करते हुए 65 सीटों पर जीत हासिल की। बीजेपी को सिर्फ 17 सीटें, बीजेपी सिर्फ 17 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया छत्तीसगढ़ की इन 90 सीटों में से। तो ये 3 अलग अलग राज्यों की बुलेट ट्रेन ने आंकड़े साफ कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में मामला जहां पर फंसा हुआ है, राजस्थान में 100 के आंकड़े को टच कर चुकी है, तो छत्तीसगढ़ से शानदार खबर कांग्रेस पार्टी के लिए आज सुबह से ही सामने आ गई। अब सवाल यह है, जिस बुलेट ट्रेन को आपने देखा है उसके पायलट क्या भूपेश बघेल होंगे, कांग्रेस पार्टी के 23 तर्रार नेता जो कि अपने तीखे तेवरों के लिए जाने जाते हैं, छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं भूपेश बघेल, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेश जी, बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज पर जुड़ने के लिए, बधाई आपको दे दी जाए। क्या मैं छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री से बात कर रही हूं? जी, मुझे जिम्मेदारी दी गई थी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ में बहुमत लाने की, और
नेतृत्व ने जो विश्वास किया और हम लोगों ने सब साथियों के साथ मिलकर बहुमत लाने में सफल हुए, तो ये एक विश्वास की जीत हुई है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस लोकतांत्रिक पार्टी है, विधायक दल की बैठक होगी, रायशुमारी होगी ऑब्जर्वर की उपस्थिति में, और उसके बाद हाईकमान फैसला करेगा और जो भी आदेश होगा हाईकमान का हम सबको सिरोधार्य होगा। मतलब अगर ये आदेश आता है कि आपको छत्तीसगढ़ की कमान सौंपी जाती है तो भूपेश बघेल तैयार है इस जिम्मेदारी के लिए? जो भी आदेश होगा हाईकमान का वो सब सिरोधार्य है। देखिए 1985 में यूथ कांग्रेस ज्वाइन की थी और वहां से राजनीति की अपनी शुरुआत की। दिग्विजय सिंह की सरकार में आप मिनिस्टर भी रहे हैं और यहां पर लगातार और आपके समर्थक तो नारे भी लगाते रहे हैं, जहां जहां आप जाते थे देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया, और आप फिलहाल हाईकमान के आदेश के इंतजार में है, लेकिन TS सिंहदेव जो है उनसे आपका मुकाबला है मुख्यमंत्री के लिए, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए मुकाबला किसी के साथ नहीं है, हम चाहे 65 विधायक आ रहे हैं सभी वो दावेदार हैं और उसमें हम सब शामिल हैं, और सबसे रायशुमारी करके हाईकमान जो दिशा निर्देश देगा वो हम लोग उसको मानेंगे पालन करेंगे। मुख्य बात छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने वादा किया है लोगों से उसे पूरा करना। सबसे पहले किसानों की कर्ज माफी 10 दिनों के अंदर हो जाएगी। नमन करूंगा, श्रद्धांजलि दूंगा जो जीरम घाटी में शहीद हुए जी। तो जीरम घाटी के शहीदों को नमन करता हूं और उनको ये जीत समर्पित करता हूं कि उन्होंने नंद कुमार पटेल ने परिवर्तन की कल्पना की थी, 5 साल बाद उसे हम सब साकार कर पाए। ये निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं की मेहनत और हमारे केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन इससे संभव हो पाया है। भूपेश जी, दिबांग मेरे वरिष्ठ सहयोगी मौजूद हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। दिबांग, उसे पूरा करना। भूपेश जी, आप ये कह रहे हैं कि आपकी लोकतांत्रिक पार्टी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कैसा लोकतांत्रिक, कैसी लोकतांत्रिक पार्टी है कि आप विधायक दल का बैठक होगी लेकिन उसमें नेता नहीं चुना जाएगा, आप कहेंगे केंद्र जो हाई कमांड कह गए। हाई कमांड क्या होता है लोकतंत्र में? अगर विधायक जीते हैं उनको नेता तय करना चाहिए, बात वहां खत्म होनी चाहिए, हाई कमांड को कहना चाहिए बहुत बहुत बधाई आप मुख्यमंत्री बनिए। दिल्ली की तरफ बार बार क्यों देख रहे हैं आप? दिल्ली में वैसे भी कुछ नहीं। देखिए सवाल ये कोई क्षेत्रीय दल नहीं है, ये राष्ट्रीय पार्टी है और अपने पार्टी के संविधान है और परंपरा और प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हम सबको करना होता है और करते रहे हैं और आगे भी होगा। जल जंगल और जमीन के मुद्दे को हाईकमान के द्वारा भूपेश जी आपने उठाया लगातार चुनावों में, लेकिन दो बड़ी वजह, क्योंकि राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने देखा आज सुबह से वहां पर कांग्रेस का मामला कभी फंसता हुआ कभी निकलता हुआ दिखाई दिया, लेकिन एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ ही ऐसा रहा जहां पर क्लियर कट कांग्रेस पार्टी ने शानदार जानदार प्रदर्शन किया है। इसके पीछे की दो बड़ी वजह क्या समझ में आ रही है आपको? देखिए 2014 लोकसभा चुनाव के बाद जब गरीबों का राशन कार्ड काटा तब हम लोग उसके साथ खड़े रहे, किसानों का धान नहीं खरीदे तब हम उसकी लड़ाई लड़े, आदिवासियों के साथ अन्याय हुआ उसके साथ लड़ाई लड़ते रहे, महिलाओं पे नसबंदी कांड जैसी छोटी सी घटना में मौतें हुई, 13-13 मौतें हुई, हम उनकी लड़ाई लड़े। तो सारे जिन वर्गों के साथ जो अहित होता रहा उसमें हम लोग उनके साथ खड़े होकर संघर्ष करते रहे न्याय दिलाने के लिए, और दूसरी तरफ संगठन को हम लोगों ने मजबूती प्रदान किया और उसी संगठन के माध्यम से विभिन्न वर्ग के लोगों को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, आदिवासी हो, अनुसूचित जाति के लोगों, उसके हक की लड़ाई लड़ते रहे और दोनों काम पैरेलल हम लोग किए, इसका सफलता मिली है। ठीक है, किसानों की कर्ज माफी का ऐलान आप लोगों ने किया था कि अगर सरकार सत्ता में आती है कांग्रेस पार्टी की तो फिर 10 दिनों के अंदर कर्ज माफी कर दी जाएगी। उत्तर प्रदेश में यही वादा वहां पर योगी सरकार ने भी किया था, लेकिन वहां पर भी पूरा कर्ज माफ नहीं कर पाई, वो भी तब जब केंद्र में मोदी और वहां पर योगी हैं। फिर आप लोगों के लिए क्या ये इतना आसान रहने वाला है छत्तीसगढ़ के लिए? छत्तीसगढ़ में पैसे की कोई कमी नहीं है, छोटा राज्य है लेकिन बजट है वो 92,000 का है और अगला बजट जो प्रस्तुत होगा वो 1,00,000 करोड़ का होगा। ऐसे में किसानों का कर्ज माफ करना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ऐसे हम करेंगे और 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदेंगे, बिजली बिल आधा भी करेंगे, ये सब काम संभव है। मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद लगातार अपव्यय करते रहे, कमीशन खोरी करते रहे और इस कारण से लोग यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग
गरीब थे वो और गरीब होते रहे, लगातार किसान आत्महत्या करते रहे जी। और जिसके परिणति है कि रमन सरकार जो 15 साल से यहाँ राज कर रही थी उसको जाना पड़ा। अच्छा ये बताइए, अब तो खैर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत मिल चुका है, लेकिन अजीत जोगी आपके पुराने सहयोगी अगर वापस आना चाहेंगे कांग्रेस में तो लेंगे उनको आप? उसी कारण तो 15 साल से हम लोग सत्ता से बाहर रहे। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस कभी कमजोर नहीं रहा जी। लेकिन जैसे उसके नेतृत्व में चुनाव लड़े 2003 में 2008 में तो हम लोग हारते गए, 13 में भी हारे। जैसे उसको बाहर किए कांग्रेस जीत गई, देखिए 2/3 बहुमत से भी अधिक। 65+ के बाद अमित शाह ने किया था और 65+ की चुनौती जनता ने स्वीकार किया, कार्यकर्ताओं ने स्वीकार किया, कांग्रेस जीत गई 65। अजीत जोगी के लिए कहा जा रहा था कि वो बीजेपी को फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां पर बीजेपी का सूपड़ा साफ हो गया और आप लोगों ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो अब इसको उल्टा कहा जाए क्या कि अजीत जोगी ने आप लोगों को फायदा पहुंचा दिया? हम लोगों ने ये बताने में हम सफलता पाई कि हेलो जी अपनी बात पूरी करें जी। हम लोगों इस बात को के लिए सफलता पाई कि कांग्रेस ही विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो ये बात हम लोगों ने जनता में पहुंचाने में सफल रहे। दूसरी बात यह है कि जोगी है वो रमन सिंह के सहयोगी दल है जी, भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल है, ये बताने में भी सफल रहे। और इसी कारण से अब जो रिजल्ट आया है उसमें दूसरे और तीसरे स्थान के लिए भाजपा और जोगी संघर्ष कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल जल्दी से मैं जानना चाहूंगी, सरकार बनाने के बाद 10 दिनों के अंदर कर्ज माफी हो जाएगी क्या छत्तीसगढ़ के किसानों की? निश्चित रूप से पहले ही कैबिनेट में ये प्रस्ताव पारित होगा और किसानों का कर्जा माफ होगा। मैं एबीपी के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता को, किसानों को विश्वास दिलाता हूं कांग्रेस संगठन की ओर से। इसी भरोसे के साथ वहां की जनता ने आपको प्रचंड बहुमत भी दिया है, उम्मीद हम करेंगे जिन वादों को आपने अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल किया था उसको आप पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया भूपेश बघेल जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और आपको एक बार फिर से इस शानदार प्रदर्शन के लिए बहुत बधाई। आपको बता दें कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ में सबसे शानदार प्रदर्शन किया है, तीनों ही बड़े राज्यों की हम बात करें और वहां पर 15 सालों का उसका जो वनवास था वो खत्म हो गया है। और अब इस चर्चा को आगे बढ़ा हैं बीजेपी से शाजेल इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शाजेल में आप सुन रहे थी भूपेश बघेल को, कांग्रेस पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया है लेकिन बीजेपी को क्या हो गया, मतलब वहां पर सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल हो रहा है, इतना बुरा प्रदर्शन बीजेपी सिर्फ 18 छत्तीसगढ़ में। मैं देखिए सबसे पहले तो मैं कहूंगी किसी भी तरह से आप बीजेपी के प्रदर्शन को बुरा प्रदर्शन तो नहीं कह सकती, लेकिन उससे पहले बघेल जी को बहुत सारी बधाइयां क्योंकि छत्तीसगढ़ में भारी शिकस्त हुई है भाजपा की, हमारी पार्टी की, और मुझे लगता है हमें इसको स्वीकारना चाहिए जी। बुरा प्रदर्शन आप कैसे कह सकती हैं मुझे समझ में नहीं आता। 3 बड़े स्टेट्स, तीनों में एंटी इनकम्बेंसी, आप पूरे, मैंने बहुत सारे इलेक्शंस कवर किए हैं, आपके आसपास बहुत सारे हम मुझसे भी सीनियर पत्रकार बैठे हैं, बताए कोई मुझे भी कांग्रेस शासित ऐसा कोई राज्य जो तीनों बार निरंतर रूप से जीतता रहा हो, इलेक्शन दर इलेक्शन, टेन्योर दर टेन्योर, एक सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात मध्य प्रदेश में, मतलब ये एक होता है बेस्ट केस सिनारियो, और ये ना कहिए कि मैं कोई कॉन्सोलेशन प्राइस अपने आप को दे रही हूँ, मैं नहीं समझिए, क्योंकि हमें लगता है कि वो भी देने वाले स्थिति में कहाँ है शाजिया, कोई ना देने की स्थिति में कहाँ है। मैं ईवीएम नहीं, नहीं मुझे बोलने दीजिए, 2-3 पॉइंट्स मुझे बोलने हैं। नहीं नहीं देखिए, ना तो मैं रोना रहूंगी, ना मैं चुनाव आयोग के बारे में कुछ बुरा भला कहूंगी, मैं इस हार को स्वीकारूंगी। मैं कांग्रेस से ये भी कहूंगी कम से कम अब माने इस बात को कि बार बार ईवीएम की जो दुहाई देते रहे उसको वापस ले और माफी मांगे देश के लोगों से भी और चुनाव आयोग से भी कि ईवीएम में कोई गड़बड़ नहीं है। अब तो कम से कम शक शुभा का जो माहौल उन्होंने बना के रखा था उसको वापस ले और कहे हमें पूरा अकीदा और यकीन है, जाहिर सी बात है होगा भी क्योंकि वो जीते हैं। लेकिन इतनी बुरी तरह से जनता ने आपको खारिज क्यों कर दिया शाजिया? दूसरी बड़ी बात, बेस्ट केस पूरी तरह बिल्कुल नहीं खारिज किया, आप कैसे कह सकती है इस बात को? 15 साल के बाद इतनी जबरदस्त फाइट कभी पहले ऐसी देखी नहीं गई, एक भी कांग्रेस शासित राज्य या कांग्रेस का कोई पूर्व मुख्यमंत्री इसको क्लेम नहीं कर सकता। मतलब मुझे छत्तीसगढ़ को लेके वाकई में मायूसी हुई, लेकिन राजस्थान में 40 से कम सीटें दी जा रही थी
और आप देखिए कितनी शानदार जबरदस्त से फाइट रही है। मतलब आप लोग इसी को लेकर खुश हैं, 163 सीटें राजस्थान में जीती थी बीजेपी ने और अभी 74 के आंकड़े पर अटक गई है। आप कह रही हैं कि हम इसी पर खुश हैं। चलिए शाजिया लौटूंगी मैं आपके साथ, कांग्रेस पार्टी से भी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, अपडेट है, रोमाना का रुख करते हैं। लौटती हूँ शाजिया। रोमाना देखिए चित्रा, शाजिया इल्मी से आप बात कर रही थी और शाजिया इल्मी जो है वो किसी भी तरीके से ये जो रुझान आ रहे हैं, नतीजे आ रहे हैं, इन्हें पढ़ सकती है, लेकिन ध्यान इस बात पर जरूर दिया जाना चाहिए कि दीवार पर लिखी इबारत जो है वो अब बीजेपी के जो साथी दल हैं वो उसे दिखा रहे हैं, वो उसे कह रहे हैं कि सबक ले लीजिए। और ये इबारत जो है अब दिखा रही है अकाली दल, शिवसेना के बाद अकाली दल ने बीजेपी को नसीहत दी है और अकाली दल नसीहत दे रही है बीजेपी को किसानों के मुद्दे को लेकर। किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार ध्यान दे, साफ तौर पर बीजेपी की सहयोगी अकाली दल, हमने दिन में देखा था किस तरीके से शिवसेना ने कहा था सबक लेना होगा बीजेपी को, और अब दूसरी सहयोगी अकाली दल जो मुद्दा भी बता रही है कि भाई किसानों का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार ध्यान दे। चित्रा, किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार ध्यान दे, अकाली दल ने भी आके तरेर दी हैं और जाहिर तौर पर शिवसेना का बयान बड़ा जो सामने आया है। राहुल गांधी की पहली बार शिवसेना की ओर से तारीफ भी की गई आज सुबह, ये कहते हुए कि 2014 वाले राहुल गांधी नहीं है, ये गलती नहीं करे बीजेपी। और आपको बता दें कि जितने भी विरोधी दल हैं वो भी एक सुर से ऐसा लग रहा है राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं, मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और तीनों ही राज्य जीतने की बधाई भी कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। संजय झा, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शाजे हमारे साथ बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। संजय जी, अब तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को नसीहत देने वालों की बाढ़ सी आ गई है, लेकिन आपको लग रहा है कि इन तीन राज्यों की जीत का असर 2019 के चुनावों पर भी पड़ेगा? नहीं, उसका असर तो जरूर पड़ेगा, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे लिए अभी भी भविष्य में हमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा और मैं यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के का आलोचना नहीं करना चाहूँगा। वो शाजिया इल्मी ने सही कहा है, 15 साल वो थे सरकार में छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में, उन्होंने कड़ा मुकाबला किया है, मैं भी इस बात को मैं नकारूंगा नहीं, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा, देखिए राजनीतिक अहंकार या घमंड वो सही नहीं होता है और ज़मीनी हकीकत कुछ और था। और हम समझते हैं कि देखिए हमने ये चुनाव में श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने सकारात्मक तरीके से ये चुनाव हमने लड़ा, हमने वहाँ के किसानों की जो परेशानी थी या उनकी जो कठिनाइयां थी, बेरोजगारी बहुत बड़ा एक संजीदा मसला है, हमने इन पर ज्यादा गौर किया। विपक्षी दलों की धुरी, राहुल गांधी बनेंगे क्या, यहीं से चर्चा में आगे बढ़ेंगे। एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद हम फौरन लौटते हैं, आप कहीं जाइएगा मत। बुरा न मानो, बधाइया राहुल तेनू बधाइया नी, बधाइया राहुल तेनू बधाइया नी। अरे खुशियां मना लो, कभी कभी खुशी नसीब में आती है। बधाइया तेरे गहलोत नू, तेरे पायलट नू, चुनाव जीतने वाले सिंधिया नू बधाइया नी। लोजी लुट गए कमल वाले, हो गए तेरे वारे न्यारे, तेरे तो छप गए पेपर जी। अब क्या होगा रे प्यारे, खुशियां ही जब किक मारे, जाए कहां अब हम जी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये कि रात 10 बजे तक मध्य प्रदेश में क्या होगा इसकी तस्वीर साफ होगी। मध्य प्रदेश में रात 10 बजे तक सारे नतीजे आ जाएंगे, चुनाव आयोग की तरफ से ये बात बता दी गई है कि अभी इंतजार करना होगा, मतलब करीब 7:30 बज रहे हैं और 10 बजे तक का इंतजार, 10 बजे तक ये सस्पेंस बना रहेगा कि मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार, कौन बनेगा मुख्यमंत्री, उसके बाद जवाब तलाशेंगे। फिलहाल तो मध्य प्रदेश को लेकर सस्पेंस ये बना हुआ है कि मध्य प्रदेश में सरकार किसकी बनेगी चित्रा, और चुनाव आयोग की तरफ से कह दिया गया है कि 10 बजे तक, कम से कम 10 बजे तक साफ कर देंगे, उससे ज्यादा और इंतजार नहीं कराएंगे। चित्रा देखिए, 2.5 घंटे का और इंतजार और उसके बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर साफ होगी, लेकिन वहां पर जो कांग्रेस के उम्मीदवार और नेता हैं उनके दिल की धड़कनें जरूर बढ़ी होंगी, क्योंकि ईवीएम पर सभी की निगाहें होंगी। 2.5 घंटे के इंतजार के बाद यह साफ हो जाएगा कि क्या कांग्रेस पार्टी वहां पर सरकार बना पा रही है या फिर नहीं। फिलहाल वो बहुमत के आंकड़े से दूर है, 112 पर इस वक्त कांग्रेस पार्टी, 109 पर बीजेपी, 116 चाहिए सरकार बनाने के लिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है एमपी में रात 10 बजे तक सारे नतीजे सामने आ जाएंगे, यानी कि 2.5 घंटे
घंटे का मध्य प्रदेश के लिए आपको करना होगा इंतजार, उसके बाद ही एमपी की तस्वीर साफ हो पाएगी। संजय झा कांग्रेस पार्टी की ओर से, शाजा इल्मी बीजेपी की ओर से हमारे साथ बने हुए हैं। शाजा, लेकिन आपके पास मैं रुख करते हुए देखिए, अब एक के बाद न सिर्फ आपके सहयोगियों ने आप पर निशाना साधना शुरू कर दिया है, जल्दी जल्दी जो बड़े नेताओं के ट्वीट आए हैं वो आपको बता दूं, केजरीवाल ने कहा है मोदी राज की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, ममता बनर्जी भी खुश है, सबको बधाई दे रही है और कहीं उनका ये कहना है कि मोदी सरकार ने कोई काम नहीं किया जिसका हास्य इस रूप में देखने को मिल रहा है। लालू यादव बोल रहे हैं ये पब्लिक है, सब जानती है, बखूबी जुमले पहचानती है, राम जाने जनता जाने आगे क्या होगा। अखिलेश यादव, अब की बार खो दी सरकार। शाजिया, जी तो देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल की बात है, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या कुछ नहीं कहा और सारा किस वो अन्ना हजारे आंदोलन का हिस्सा थे जो कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के भ्रष्टाचार के अगेंस्ट था, तो वो क्या बात बोल दे, कब बोल दे। रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी ने खुद बाकायदा कहा है कि मैं श्योर नहीं हूं और राहुल गांधी ने मेरे पास आने में बहुत देर कर दी। और रही बात ममता बनर्जी की, तो अपने पश्चिम बंगाल में है, सबसे ज्यादा अगर किसी को खतरा है उनके सिंहासन डोलने का तो वो अब अगला जो टारगेट है और अगला जो पूरा फ्रंटियर है, मोर्चा है, मतलब वो पश्चिम बंगाल है, वो जानती है इस बात को। तो जाहिर है मुखालिफ जो लोग होंगे, जो मुखालिफ होंगे वैसी बात कहेंगे, लेकिन बेस्ट केस सिनारियों में भी इतनी शानदार और जबरदस्त प्रदर्शन भाजपा की तरफ से किसी तरह से भाजपा के खिलाफ किसी भी वेव को नहीं दिखाता है, ना ही दिखा। बेस्ट केस सिनारियो कांग्रेस पार्टी के लिए था, उसमें भी निर्णायक जीत दो स्टेट्स में नहीं हो पाई। मैं इस पर आंसर ले लेती हूँ संजय झा का। संजय झा जी, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव ने ये भी कहा है लौटूंगी शाजिया के बारे में, ठीक है, आपकी बात मैं समझ गई, सलाम करते हैं जनता के फैसले को, सलाम करते हैं, ठीक है। संजय जी, अखिलेश यादव ने यह भी कहा है कि जब एक और एक मिलकर बनते हैं 11 तब बड़े बड़ों की सत्ता हो जाती है, 9-2-11, लेकिन एक एक मिलकर उत्तर प्रदेश में 11 कहां बन पाए थे, दो लड़कों ने कोई कमाल नहीं किया, फिर 2019 इतना आसान नहीं है आपके लिए संजय जी। काफी नहीं है ये, जाहिर है। मैं देखिए, मैं संक्षेप में जवाब देना चाहूंगा कि देखिए महागठबंधन एक हकीकत है और ये होने वाला है, इस वर्क इन प्रोग्रेस। और आपने यदि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हुए थे उनके नतीजे को देखिए, फूलपुर, कैराना, गोरखपुर, जहां पर भी एक तरीके से गठबंधन या महागठबंधन हुआ है, वहां पर किसी ने उम्मीद नहीं किया था कि गोरखपुर में जहां पर योगी आदित्यनाथ लगातार 7-8 बार जीते हुए हैं। चलिए मैं लौटूंगी आपके पास संजय जी, कांग्रेस पार्टी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है, आरंभ है प्रचंड, ऐसा कह के कांग्रेस ने वीडियो जारी किया है, देखते हैं। है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन बान शान या की जान का हो दान, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, जीत की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो, आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो।
फिल्म गुलाल के गाने के साथ आरंभ है प्रचंड। ये ट्विटर पर वीडियो जारी किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से। एक बड़ी खबर आ रही है, रुक करते हैं रोमाना का। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से ये जो वीडियो जारी किया गया है, कहीं ना कहीं 2019 के लिए हुंकार कांग्रेस ने आरंभ है प्रचंड के जरिए कर दी। और बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, सिर्फ पांच मिनट का और इंतजार, राहुल गांधी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे ही शुरू होगी आपको लिए चलेंगे। देख रहे हैं आप, कांग्रेस दफ्तर मंच सज चुका है, रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद है और किसी भी पल राहुल गांधी यहां पर मंच पर मौजूद होंगे, अपनी बात रखेंगे मीडिया के सामने। शाम के 7:30 बज चुके हैं, आपको बता दें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही में शुरू होने वाली है। लेकिन एमपी का आंकड़ा एक बार फिर से फंस गया है, 230 में से 111 पर कांग्रेस, 110 पर बीजेपी, जैसा कि आंकड़े आप देख रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है, उसके ठीक पहले ट्विटर पर आरंभ है प्रचंड के जरिए। इस गुलाल फिल्म के गाने के जरिए कांग्रेस पार्टी ने वीडियो जारी किया है जिसमें केंद्र में रखा गया है राहुल गांधी को और 2019 के पहले जाहिर तौर पर इस गाने के जरिए अपने कार्यकर्ताओं के उत्साह को और ज्यादा बढ़ाना चाहती है कांग्रेस पार्टी। एक बार फिर से देखिए कांग्रेस पार्टी का ये वीडियो। आरंभ है प्रचंड, बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आन आन शान या की जान का हो दान, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। विश्व की पुकार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है। जीत की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो। आरंभ है प्रचंड। ट्विटर पर यह वीडियो जारी किया गया है, आरंभ है प्रचंड। 2019 की राजनीति के मद्देनजर जाहिर तौर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में एक अलग एक जोश जगाने की यह कवायद, क्योंकि तीन राज्यों में शानदार तरीके से कांग्रेस पार्टी जीती हुई पेच मध्य प्रदेश को लेकर जरूर फंसा हुआ है, लेकिन रात 10 बजे तक तस्वीर वहां की भी साफ हो जाएगी। फिलहाल आपको बता दें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। राहुल गांधी जिनका राजनीतिक करियर 2004 से शुरू हुआ, जब अमेठी से उन्होंने चुनाव लड़ा, लोकसभा में पहुंचे, 2013 में उनको कांग्रेस का उपाध्यक्ष बनाया गया, लेकिन बहुत बड़ी कामयाबी उनके राजनीतिक करियर में नहीं आई। लेकिन 2017 में आज ही के दिन पिछले साल जब उनकी ताजपोशी अध्यक्ष के रूप में की गई, उसके बाद ये पहला बड़ा आंकड़ा जो सामने आ रहा है तीनों ही राज्यों से, और जाहिर तौर पर विपक्ष की धुरी बनाने के लिए भी ये आंकड़े 2019 में काम आएंगे, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 3.5 महीनों का वक्त है बाकी लोकसभा में। ये वो कांग्रेस पार्टी है जो 44 पर सिमट गई थी 2014 की राजनीति में, लेकिन उसके बाद से लगातार कोशिशें जारी रही। हमने देखा गुजरात में कड़ी टक्कर देने की कोशिश राहुल गांधी की ओर से की गई। शाजिया हमारे साथ जुड़ी हुई है लगातार बीजेपी की ओर से। शाजिया, कैंपेन तैयार हो गया है 2019 में बीजेपी को मात देने के लिए, आरंभ है प्रचंड। देखिए कोशिश तो सभी पार्टियों की होती है कि जो भी कैंपेन हो वो दूसरे को मात देने के लिए हो,
लेकिन इतने बेस्ट केस सिनारियो में और मैं किसी भी तरह से जो जीत है कांग्रेस के जो हाथ लगी है मैं उसको हल्का नहीं करना चाहती हूँ, दिल से मुबारकबाद देती हूँ। मुझे लगता है बहुत फिराक दिली से हम लोगों को जीत और हार दोनों को स्वीकारना चाहिए, लेकिन मैं तब भी कहूंगी क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी रही हूँ, बेस्ट केस सिनारियो में इन तीनों स्टेट्स में हैवी भारी एंटी इनकम्बेंसी 15-15 साल की और एक में 5 साल की जो स्टेट हमेशा बदलता है अपने शासकों को या अपने पूछा गया था, तो उन्होंने कहा है कि उसके बावजूद सारे लाभ उन्होंने कहा सरकार का काम होता है, अब सरकार का काम क्यों नहीं बोला इन राज्यों में, बावजूद ऐसी शानदार टक्कर, तो मेरे ख्याल से उसको मतलब जो टक्कर है उसको आप शानदार मान रही हैं, इस हार में भी जीत है। संजय जी मध्य प्रदेश में आप बीजेपी इस हार में भी अपनी जीत देख रही है, बहुत ही बड़ी फैन थी शिवराज चौहान जी की, अब और बड़ी फैन हो गई उनकी मैं। संजय झा वो रोकेंगे तो मैं जवाब देता हूँ। देखिए मैं इतना ही कहूंगा कि चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी काफी नकारात्मक एक रवैया के साथ उन्होंने लड़ा, ये योगी आदित्यनाथ हर जगह जाके एक सांप्रदायिक तापमान बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की। देखिए भारत का आम आदमी यही चाहता है कि आप मेरे रोटी कपड़ा मकान बिजली सड़क पानी ऐसे मुद्दों पर आप गौर करें। मैं और लौटती हूँ संजय झा जी आपके पास, इस वक्त एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जी। ओवैसी साहब बहुत स्वागत है ABP न्यूज पर आपका। तेलंगाना में जीत की बात आप लगातार कर रहे हैं, TRS को इसके लिए बधाई भी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तीन बड़े राज्यों में हिंदी बेल्ट में जो शानदार प्रदर्शन किया है उसका श्रेय, जीत का श्रेय राहुल गांधी को देना चाहेंगे आप? आप उसको शानदार कहते हैं, बाय डिफॉल्ट जीत रहे हैं। शानदार तो वो होता है कि वो नंबर आ जाता जो कांग्रेस का नंबर आया था पिछले बार राजस्थान में बीजेपी का आ जाता। शानदार उस वक्त कहते जब मध्य प्रदेश में बिल्कुल बीजेपी का सफाया हो जाता, इतने कांटे की लड़ाई ना होती। तो ये तो भाई डिफॉल्ट है ना कि भाई 15 साल के बाद अब कोई नजर नहीं आया तो भाई चलो अब दूसरे अब पुराने मामू को पकड़ लेते हैं। कांग्रेस के नेता बोलेंगे उनकी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं आप इस तरह की बातें करके। नहीं आप 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 देखे ना कि मुझे चापलूसी करना तो आता नहीं है, आपने मुझसे सवाल किया तो मैं आपको पूरी ईमानदारी के साथ उस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। यकीनन उनको वो मेरी बात से इत्तेफाक ना करते हों मगर शानदार का लफ्ज तो बड़ा स्ट्रांग होगा मैडम। शानदार नहीं आप बोल सकते, कामयाबी मिल गई है जी। और अगर शानदार उस वक्त होता जब बीजेपी का सफाया हो जाता राजस्थान में मध्य प्रदेश में, तो अभी भी नहीं मालूम कि मध्य प्रदेश में क्या होने वाला है। तो ये चीजें हैं तो इसको शानदार नहीं कह सकते, ये तो विक्ट्री बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं उसको। लेकिन कांग्रेस ने आरंभ है प्रचंड करते हुए एक वीडियो जारी किया है जिसमें राहुल गांधी को योद्धा दिखाया गया है। 2019 के लिए आप मानते हैं कि मोदी के सामने राहुल गांधी एक बहुत बड़ी चुनौती बनने वाले हैं और वही अब मोदी लहर को रोकेंगे जैसा कि आज के दिन उन्होंने कर दिखाया है? अब मैडम ये जो है ना कि विशफुल थिंकिंग है, अगर बीजेपी का सफाया हो जाता राजस्थान मध्य प्रदेश में तो हम इस बात को समझ सकते थे। अब ये किसी को योद्धा बनाओ, किसी को आप सुपरमैन बना दो, बैटमैन बना दो, स्पाइडरमैन बना दो, आप कौन सा मैन बनाने बना दो, ही मैन जब बना दो भाई। देखिए मोदी एक फॉर्मेडेबल अपोनेंट है और इस तरह से मजाक गिमिक से उसको हरा नहीं पाएंगे, तो इसीलिए हमारा मानना यह है कि एक नॉन कांग्रेस नॉन बीजेपी फॉर्मुलेशन जो होगा वही बीजेपी को सही तरीके से मुकाबला भी कर पाएगा। और इस देश को जरूरत है कि ऐसे पॉलिसी प्रोग्राम की विजन की जो बीजेपी और कांग्रेस से मुख्तलिफ हो, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि हमारे चीफ मिनिस्टर KCR ने इस बात का पेशकश किया है, उन्होंने सही फैसला लिया है, आने वाले दिनों में वो इन तमाम चीजों को देश के सामने रखेंगे। लेकिन उसमें शामिल कौन कौन से बड़े नेता होंगे फैक्टर बनेगा ओवैसी साहब, सवाल तो ये है ना सत्ता से रोक पाएगा, क्योंकि अब जितने भी विपक्षी दल हैं ज्यादातर ने राहुल गांधी की तारीफें शुरू कर दी हैं और ऐसा लग रहा है 2019 के लिए वो अपने महागठबंधन का नेता उनको स्वीकार कर लेंगे। देखिए अगर आप चंद्रबाबू नायडू की बात कर रहे हैं तो मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि जब 2019 के चुनाव होंगे और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन आप मुझे बुला लेना। इंशाअल्लाह ताला चंद्रबाबू नायडू 2 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, वहां पर जगन मोहन रेड्डी आप बहुत आगे हैं और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ इतना गुस्सा है वहां की आवाम में
कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। तो ये बातों में मत जाइए। ये चंद्रबाबू नायडू जो है, इनको हमेशा ये सबको धोखा देते आए हैं। इनकी सियासी जिंदगी का अब तक जो भी करियर रहा है वो धोखे पर रहा है। अगर कोई चंद्रबाबू नायडू की हथेली में जन्नत देकर खुश हो रहा है तो उनको मुबारक हो, मगर हम बताएंगे कि चंद्रबाबू नायडू नहीं कर पाएंगे। बल्कि चंद्रशेखर राव और इसे लाइक माइंडेड लीडर्स जब जमा होंगे, जिनमें हिंदुस्तान को समझने की सलाहियत है, और वही एक नया विजन और नई राह दिखाएंगे जिससे बीजेपी को रोकेंगे, शिकस्त होगी बीजेपी को। अच्छा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मैं बात कर लेती हूँ, यूपी से वो आते हैं। उन्होंने इन्हीं चुनावों में कहा था कि हैदराबाद के निजाम की तरह आप लोगों को भागना होगा। उनके इस टिप्पणी के बाद आज के जो नतीजे सामने आए हैं, इस पर प्रतिक्रिया आपकी? मैडम, वो जो एबीपी ने संभल का वीडियो दिखाया था, पुलिस ऑफिसर का जो कह रहा था ठाए ठाए, वही ठाए ठाए हो गया बीजेपी का यहाँ पर भी। ठीक है, हमारे साथ देश के बड़े पत्रकारों का पैनल है। अरविंद मोहन जी, आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। वैसे जी, कल तक तो मोदी और योगी आपके निशाने पे थे, रिजल्ट आया नहीं कि आपने निशाना बदल दिया, तो गेम आप अपना खेल रहे हैं या किसी और का खेल रहे हैं? वैसे साहब, सर देखिए ना सर, आपको तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं कांग्रेस के बारे में बोल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम आपको कांग्रेस से इतनी क्यों मोहब्बत है, मगर शायद आप भूल रहे हैं कि आपके श्री श्री राहुल गांधी जी ने हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में दो सभाएं की, दोनों में चारों खाने चित। जहां पर नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में की, हार गए। ले जाकर मैडम सोनिया गांधी को, कि इन कांग्रेसियों को इतना भी लिहाज नहीं है कि जब मैडम को लेकर जा रहे हैं तो भैया उनका पास हो लिहाज रखते, वहां पर टीआरएस कैंडिडेट 80,000 वोट से जीत गया। तो हम शुरू से दोनों को कह रहे हैं सर, ऐसी बात नहीं है, आप रिकॉर्ड निकाल कर देख लीजिए। अजय सेतिया साहब है, उनका एक सवाल। वैसे जी, आपने जगन रेड्डी का नाम लिया है, क्या जगन रेड्डी आपके तीसरे मोर्चे में शामिल हो रहे हैं? नहीं, मैं उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दे सकता। वो कैपेबल है, काबिल है, मगर मैं इतना बता रहा हूं आपको कि आंध्रा में जगन मोहन रेड्डी का ग्राफ बहुत आगे है, बहुत आगे है, और आंध्रा की बहुत बड़ी आवाम जनता जगन मोहन रेड्डी के साथ है। और मुझे पूरा यकीन है कि जगन मोहन रेड्डी सही पॉलिटिकल फैसला लेंगे तो 25 के 25 सीट में तेलुगुदेशम। आपसे बातचीत में आगे बढ़ाऊं, इस बीच की बड़ी खबर हम दे दें। ये देखिए तस्वीरों में राहुल गांधी इस वक्त पहुंच चुके हैं कांग्रेस दफ्तर में, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। एमपी में आंकड़ा फंसा हुआ है, कांग्रेस 111, बीजेपी 110, लेकिन बाकी छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बहुमत के आंकड़े को कांग्रेस पार्टी ने टच कर लिया है, और अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए बड़ी कामयाबी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब राहुल गांधी की इस कामयाबी को मानने के लिए तैयार नहीं, उनका कहना है ये तो बाई डिफॉल्ट हो गया है, कांग्रेस जीत रही है वहां पर। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, राहुल गांधी हाथ जोड़कर सभी का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आ चुके हैं कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। सीधे सुनते हैं उनको। कम आनंद जी, नमस्कार। या हमने केजी नो वी डोंट नीड दैट। नमस्कार अमन जी, हाउ यू, वुड यू लाइक टू? नमस्कार दोस्तों, आज पूरे देश में प्रजातंत्र की विजय पर एक खुशी का दिन है, हर्ष की लहर है। बगैर किसी विलंब के मैं अनुरोध करूंगा, इस जीत के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ जिन्होंने नेतृत्व किया, मार्गदर्शन किया, जो इस जीत के त्रेता हैं, आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो अपनी बात आपको कहेंगे। इलेक्शन के रिजल्ट्स आए,
जनता से, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से, उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूँ। जिन स्टेट्स में, तेलंगाना में, मिजोरम में हमारी हार हुई, वहाँ जो चुनाव जीते हैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। बट ये जीत कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की है, किसानों की है, युवाओं की है, छोटे दुकानदारों की है। ये जो आवाज उठी है, अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी है कि इस आवाज को हम अच्छी तरह सुने और इन स्टेट्स में जो विजन दिया जाना चाहिए वो हम दे पाए। तो इस पे हम अब काम शुरू करेंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को हमने हराया है और जो वहां के चीफ मिनिस्टर्स हैं उन्होंने जनता के लिए काम किया। जरूर हमारी लड़ाई उनके साथ रही, विपक्ष की लड़ाई हुई, हमने उनको हराया, मगर मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो उन्होंने मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए, राजस्थान के लिए किया, काम किया, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और अब बदलाव का समय है तो अब हम उस काम को अब आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। सो आई'd लाइक टू थैंक ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड द कांग्रेस पार्टी इन द स्टेट्स वेयर वी वन एंड इन द स्टेट्स वेयर वी हैव लॉस्ट। आई थिंक दिस इज द विक्ट्री ऑफ द कांग्रेस वर्कर हु हैज इन डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस ही हैज स्टूड अप एंड fought for our ideology, so I am very very proud of him and her. और मैं उनको कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से दिल से कहना चाहता हूँ कि आपने जो मेहनत की, मुश्किल हालात में जो आपने मेहनत की, उसका मैं दिल से आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। The two states where we lost, I would like to congratulate the parties that won, Mizoram and Telangana. We now have a lot of work to do in Madhya Pradesh. Well, hopefully we win Madhya Pradesh, Rajasthan, Chhattisgarh and Madhya Pradesh. The youth of the states, farmers, shopkeepers, small business owners, all of them have supported us and we have a commitment to them and we are going to work to that, towards that commitment. We are going to provide the states with a vision and we are going to provide the states with the government that they can be proud of. In these states there have been BJP chief ministers, so I would like to thank them for the work that they have done over the last over their terms, and we are going to take over and try and do an excellent job. I think there are serious questions being asked. There are serious questions being asked about the future of our youngsters. The central question there is, how does our country, our government intend to give jobs to millions and millions of Indian youngsters? There is a sense among the youth that that promise of the Prime Minister, रोजगार का जो वायदा किया था वो टूट गया है, उसको पूरा नहीं किया है। That same feeling is there among the farmers. There is a sense of discontentment, inability to see the future, inability to understand how they are going to survive and thrive in the field of agriculture. And I think that has had a big impact. We are going to work in these three states and try and ensure that we can give a vision, give a future. Certainly, it is pretty clear that there is a feeling among people in our country
that what was committed by Mr. Modi, he has not been able to deliver. I mean, that's clear cut. And that is something that we felt throughout the campaign very strongly. People were coming up to us and saying that. So yes, that question does arise. I think I've been saying it for some time. I think with a resurgent Congress Party in these states and in other states where the BJP is ruling, and a combined opposition, it's going to become very difficult for the Prime Minister and for the BJP to win the election. I mean, that is pretty clear, and this is a clear message to the Prime Minister and to the BJP. That the country is not happy with what they're doing, the country is not happy with demonetization, the country is not happy with GST, the country is not happy with the lack of jobs. So that is there. I think it's a good thing for the Congress Party. I'm quite happy with what we've achieved. I would have preferred a better result in Telangana, but okay. Anil ji here. Yeah. I'll come to all of you. सेंट्रल मुद्दे रोजगार और किसानों की जो समस्या है, ये सेंट्रल थीम है. और ये सिर्फ मध्य प्रदेश का मुद्दा नहीं है, ये हर प्रदेश का मुद्दा है, ये देश का मुद्दा है. और इसके लिए हमको स्ट्रेटेजिक सोल्यूशन निकालना पड़ेगा और ये सोच समझकर एक नया देश को विजन देना पड़ेगा. तो जरूर ये दो मुद्दे हैं. और ये भी फीलिंग है कि जो प्रधानमंत्री ने वायदे किए थे, जो प्रधानमंत्री ने इकोनॉमी के बारे में वायदे किए थे, रोजगार के वायदे किए थे, वो पूरे नहीं हुए हैं. वो तो बड़ा क्लियर है. ऑपोजिशन, आपने कल मीटिंग देखी होगी, बहुत स्ट्रांगली यूनाइटेड है, यूनिफॉर्मली यूनाइटेड है और एक साथ लड़ेगी, ये तो पक्का है. मिस्टर झा हियर. विचारधारा एसपी बीएसपी की कांग्रेस की एक है, उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से अलग है, तो वो तो बात है. चीफ मिनिस्टर की मतलब कोई बड़ी इशू नहीं आने वाली है, वो काफी स्मूथली हो जाएगा. यस सर. नहीं, एक्चुअली हम काफी ओपन थे. हम बहुत फ्लेक्सिबल थे और वो मतलब बातचीत बनी नहीं, बट विचारधारा एंड हम एक साथ मतलब कंफर्टेबल हैं. वन सेकेंड, वील हैव टू हैव वन क्वेश्चन एट अ टाइम. राहुल जी, आज जो नतीजे आए हैं, जो कि कांग्रेस ईवीएम को लेकर के सवाल उठा रही थी, लेकिन आज तीन राज्यों में आप लोगों ने चुनाव जीता है, क्या आप उसको लेकर के आप लोग सवाल जो उठा रहे थे उसका आपको उत्तर मिला है? देखिए, जरूर कांग्रेस पार्टी चुनाव में जीती है. जो ईवीएम का सवाल उठ रहा है वो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं उठ रहा है, वो एक जेनेरिक सवाल है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में यूनिवर्सली प्रॉब्लम्स हैं. और अगर देश की जनता ईवीएम में को देखकर अनकंफर्टेबल है, तो वो एक बहुत बड़ा सवाल है और उस सवाल को एड्रेस करना होगा. जरूर हम ये चुनाव जीते हैं, बट जो ईवीएम की सेंट्रल इशू है वो अभी भी है. सेंट्रल इशू इज दैट आपके पास पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है और उस सिस्टम के अंदर चिप है, और अगर उस चिप को मैनिपुलेट किया जाए तो आप पूरे के पूरे चुनाव को डिस्टर्ब कर सकते हो या इफेक्ट कर सकते हो, जो आप मैनुअल वोटिंग में नहीं कर सकते हो. एंड दिस इज अ क्वेश्चन दैट हैज बीन
answered in the United States and in other countries where they have said that we don't want an EVM. So this, ये जो सवाल है, ये actually table से नहीं उतरा है. रजत here. अच्छा अच्छा सवाल पूछा आपने. देखिए, जब जब प्रधानमंत्री इलेक्ट हुए थे तो तीन प्लेटफॉर्म्स पे वो इलेक्ट हुए थे, रोजगार, भ्रष्टाचार और किसान. और जनता के दिमाग में यह था कि प्रधानमंत्री सचमुच में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे. अब वो फीलिंग गायब हो गई है. अब जनता के दिमाग में यह है कि नरेंद्र मोदी जी खुद भ्रष्ट है. और यह सवाल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में जीत का भी कारण है. इसका ये जो पहले लोगों के दिमाग में सवाल नहीं था, अब क्लियरली वो सवाल उठ गया है. और यह रियलिटी है. रियलिटी है कि राफेल में भ्रष्टाचार हुआ है और उसकी सच्चाई निकलेगी. क्या हुआ? आई एम गोइंग टू कम टू यू रंजीता जी. मैं क्या, सॉरी, क्या कहना चाहूंगा? मैंने तो कोई मतलब गलत भाषा का प्रयोग नहीं किया. प्रधानमंत्री को देश के युवाओं ने, देश के किसानों ने काम करने के लिए चुना है. और क्लियरली प्रधानमंत्री को मैसेज गया है कि आप रोजगार की जो समस्या है, किसानों की जो समस्या है, भ्रष्टाचार के का जो इशू है, और अब जो पूरा इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, जो मतलब आरबीआई, जो पूरा इकोनॉमिक ढांचा जो डैमेज हो रहा है, उसके बारे में आप कुछ कीजिए. और फ्रैंकली प्राइम मिनिस्टर पैरालाइज से हैं. प्राइम मिनिस्टर इज नॉट एबल टू रिस्पॉन्ड एंड ही इज अनएबल टू टेक द प्रेशर दैट इज कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिशन. दैट इज प्रिटी क्लियर. उनके भाषणों में अगर आप देखें, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, ये जो मेन तीन चार सवाल हैं उनके बारे में प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते हैं. तो दैट इज द इशू. प्राइम मिनिस्टर हैज बीन चोजन, इंडिया इज फेसिंग अ क्राइसिस, जॉब क्राइसिस. प्राइम मिनिस्टर हैज बीन चोजन टू रिजॉल्व इट, सो ही शुड गेट टू वर्क. रंजीता जी हियर बिकॉज शी स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट. हमने कहा है कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी वो किसान कर्जा माफी का प्रोसेस शुरू हो जाएगा इमीडिएटली. एक सेकेंड, विक्रांत दे. देखिए, हमारी अप्रोच अलग है. हम बीजेपी की एक विचारधारा है, हम उस विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, उनको हम हराएंगे. हमने आज हराया है और 2019 में भी हम हराएंगे. मगर हम किसी को भारत से मुक्त नहीं करना चाहते हैं. अगर लोगों की थिंकिंग है, अप्रोच है, हम उससे अग्री नहीं करते हैं, हम उससे लड़ेंगे. बट हम किसी को देश से मिटाना नहीं चाहते हैं. आई थिंक दैट क्वेश्चन हैज बीन टेकन. यस मैम.
Each state is different. Each state has its demands. So we will go based on what the demands of the states are. My central idea when dealing with that issue is I ask the Congress party in the respective states, I ask them what they feel, and based on what they tell me, I move forward. Supriya here. One second, there is somebody asking, let's not bypass. Supriya here. I think we'll work with the opposition. There are a couple of central issues. Issue number one is how India is going to give employment to its youngsters. Issue number two is how India is going to ensure that farmers have a future in this country. How agriculture fits into the larger economic vision of this country. Issue number three is the corruption that has been blatantly carried out, and I keep repeating again and again and again that demonetization is a scam. Demonetization is a scam. Rafael, everybody knows, corruption took place. So these would be the three main ideas. There is an issue of mismanagement of the economy and causing unnecessary damage to sections of the economy that were actually doing well. Badly implemented GST, demonetization, which was disastrous. Now, RBI chief has also resigned. Ex-RBI chief has commented what he thought about demonetization. Others have commented. So those would be the issues. But broadly, what I think the Congress party and the opposition are going to attempt is Mr. Modi sold a vision to this country 5 years ago. And this country had the patience to listen to that vision and then to give him 5 years to carry out that vision. And by all accounts, Mr. Narendra Modi has and the BJP have failed in providing our country with a vision going forward for the 21st century, for 2018, 2019, 2025. So I think what we would be trying to do is we would be trying to, other than attacking the current dispensation, we would be setting the structure and the architecture for a new vision going forward for our country. Congress party has done it a number of times before. We did it in 1991. We did it before that in the 70s with the Green Revolution. So we are now starting a conversation internally, and we are going to involve large parts of our country in developing a vision for India that we then implement. So that would be the broad theme. Neeraj there? Can I, Supriya, take another? I'll take another question. Neeraj there? See, I was speaking to my mother yesterday, and I was telling her that the absolute best thing for me was the 2014 election. Now this would be counterintuitive to you. You'd say, what are you saying? But for me, I've learnt a lot from that election. I've learnt a lot about how to think about things. I've learnt a lot about, most important thing is humility, that you have to, this is a great country, and the most important thing in this country is what the people of this country feel. And as a politician, you have to listen to what they feel, you have to connect with what they feel, and you have to try and work with that sentiment. So that is a lesson. I mean, frankly, Mr. Narendra Modi has taught me that lesson. I mean, because I see what not to do. Because frankly, Mr. Narendra Modi had a huge opportunity. 5 years ago, he was handed a massive opportunity to transform this country. And the sad thing, and I feel bad for him, even though I'm an opposition person, the sad thing is that
he refused to listen to the heartbeat of this country. He refused to listen to what youngsters are saying to him. He refused to listen to what farmers are saying. Certain amount of arrogance came in. And I think that is fatal for a politician. So, I mean, that's something that I learned from how he has acted. I learned from what I see. And the best, for me, the best teachers are the people of this country. I mean, you meet them, everybody's got an opinion. Everybody has something to, some value to add. Everybody, you know, you talk to a farmer, he explains you what he does. You talk to small businessman, he explains you what he does. So there's so much understanding in this country that for any politician, that is the place to operate, you know. So that is what I've learned. It's been quite a nice journey. A little bit of a beating also. It's a good thing. It's not a bad thing. Yeah. नीरज थे नहीं देखिए मैंने अपने भाषणों में बोला कि कर्ज माफी एक सपोर्टिंग स्टेप है. कर्ज माफी सोल्यूशन नहीं है. सोल्यूशन ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा. सोल्यूशन किसानों को सपोर्ट करने का होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का होगा, टेक्नोलॉजी देने का होगा. और सोल्यूशन, फ्रेंकली मैं बोलूं, सोल्यूशन आसान नहीं है. सोल्यूशन चैलेंजिंग चीज है और हम उसको करके दिखाएंगे. बट वो उसमें किसानों के साथ हमें काम करना पड़ेगा, देश की जनता के साथ हमें काम करना पड़ेगा और हम वो करेंगे. एक जो जनता में फीलिंग थी, जो जनता में फीलिंग थी, जो जनता विजन देखना चाह रही थी, जो उनको बीजेपी नहीं दिखा पाई. दूसरा, कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता, जो मैं बहुत खुशी से कह रहा हूं, जिसने पूरे देश को दिखा दिया कि वो है क्या. और मैं फिर से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने, मैं बंद कमरों में आपसे कहता हूं बट मैं खुले कमरे में कह देता हूं, आप बब्बर शेर हो. तो ये फीलिंग जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता में थी वो काफी इफेक्टिव रही. और फ्रैंकली जो नॉर्मली हमारी टेंशन्स होती हैं लीडर्स के बीच में, उनको भी हमने काफी इफेक्टिवली आयरन आउट कर दिया. एक साथ हम चले, एक साथ मिलकर हम चले, तो उसका फायदा हुआ. देखिए भैया, मेन इशू देश के सामने रोजगार का है, किसानों का है, भ्रष्टाचार का है. उस पर हम लड़े हैं और वही जनता सुनना चाहती है. धन्यवाद. कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को आप सुन रहे थे. शानदार तरीके से अपनी बातें उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने रखी है. एक मजे हुए राजनेता के तौर पर वो सामने आए. काफी देर तक पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया और इसके साथ ही जो प्रचंड जीत इन तीनों ही राज्यों में, खासतौर से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मिली है, चूंकि मध्यप्रदेश का मामला अभी भी फंसा हुआ है, कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहते हुए उन्हें जीत के लिए धन्यवाद दिया, उन्हें बधाई भी दी है. आपको बता दें, ईवीएम पर सवाल अभी भी बना हुआ है. इस बात का भी जिक्र
राहुल गांधी ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, उन्होंने कहा है चिप है जिसके जरिए हेरा फेरी हो सकती है और इसी वजह से ईवीएम का सवाल लगातार बना रहेगा। उनकी बड़ी बात यह है 2019 में भी बीजेपी को हराएंगे, आज जो प्रचंड जीत हमें मिली है उसी के सहारे और भी कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की, लेकिन यह कहा है बीजेपी को हराएंगे जरूर लेकिन बीजेपी मुक्त भारत नहीं बनाएंगे और इस तरीके से तंज भी कसने की कोशिश की गई है उनकी ओर से। राहुल गांधी को लेकर कैंपेन भी कांग्रेस पार्टी की ओर से लॉन्च कर दी गई है 2019 के मद्देनजर और आज की इस जीत को देखते हुए। एक बार फिर से देखिए आप, आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, बाज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन आन शान या की जान का हो दान, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, मन करे सो प्राण दे जो मन करे सो प्राण ले, वही तो एक सर्वशक्तिमान है, कृष्ण की पुकार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है, कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वो ही तो महान है, की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, की हवस नहीं किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आरंभ है प्रचंड। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।